तो दोस्तों आज फिर से उपस्थित हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों हमारा वीडियो पूरा देखिएगा, और जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों काफ़ी दो दिन से मैं यही ब्लॉग देख रही थी, बिजरिया ब्लॉग, जिसकी कमेंट में इतने ज़्यादा भर भर के लोग कमेंट कर रहे थे कि बिजरिया सुनील गुड़िया को नहीं बुलाया, सुनील गुड़िया ब्लॉग्स को नहीं बुलाया। तो दोस्तों आज इस ब्लॉग में यही जानकारी देंगे और ये क्या सच्चाई है इसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, और दोस्तों हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके पीछे की जो कि विजय रिया और सुनील गुड़िया के बीच की क्या है सच्चाई, तो इस वीडियो में पूरी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप सभी को दिखाते हैं। टोटल चीज़ें मतलब कि अरेंजमेंट करना, टेंट वाले टेंट वालों से बात करना, मिट्टी से बात करना, सभी लोगों से, इसलिए थोड़ा सा मतलब मेरी भी हरासमेंट है। और मैं वीडियो बना ही पा रहे थे, सब लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि मुझे वीडियो से मतलब नहीं था। ठीक है, हम सोचते कि जितने भी हमारे जो गेस्ट हैं, जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, दोस्त हैं, जितने हमारे रिलेटिव हैं, सभी अच्छे से आए और सभी अच्छे से मतलब कि फंक्शन को मतलब कि हम लोग सेलिब्रेट करें। हमें यह नहीं था कि हमको वीडियो बनाना है, आप लोग देखते भी होंगे हमारी वीडियो उतना पढ़ी नहीं है, उतना पढ़ाई नहीं है, सब लोग बना नहीं पाए, क्योंकि फिर मुझे वीडियो का मुझे मतलब नहीं था। ठीक है, बस हमें ये था कि बस अच्छे से सारा हो सके, ताकि मेरे तरफ से कोई गलती ना हो या तो कोई मतलब अरेंजमेंट में कोई कमी ना हो। बस हम जिस दिन मेरा फंक्शन था उस दिन तक हम काफ़ी मेहनत करें, अकेले मार्केट जाओ, सामान लेके आओ, काफ़ी सारी चीज़ें किए। और चलो जैसे भी हुई सब ठीक ठाक हुई, जितना हम कर पाए, तो ये भी इधर उधर ही हो रहा है। हाँ, और आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे ना कि सुनील गुड़िया ब्लॉग्स को आपने क्यों नहीं बुलाया, या आपने क्यों नहीं इन्वाइट किया, या वो नहीं आया। मतलब सच्चाई क्या है वो आप सभी लोग पता नहीं है, बस आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैं उनको इन्वाइट नहीं किया हो, मतलब आप लोग क्या लग रहा है कि हम उनको इन्वाइट नहीं किए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले हम सुनील भाई को कॉल किए, सबसे पहले मतलब आप लोग क्या लग रहा है कि हम उनको इन्वाइट नहीं किए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले हम सुनील भाई को कॉल किए, सबसे पहले मेरा बेटा हुआ लगभग दो अढ़ाई बजे खाना, सबसे पहला कॉल मैंने उन्हीं को किया, पहला कॉल रात में। और हमारी बातें विचार अच्छी तरह से होती है, बढ़िया होती है, कुछ पर्सनल मतलब काम तो होती है, जैसे कि उनके जी का भी तबीयत ख़राब, आप सभी लोग उनकी वीडियो देख रहे होंगे, उनकी तबीयत खराब है, काफ़ी सारे उनके इंजेक्शन पड़ रहे हैं, और वहाँ से यहाँ आना ट्रेवल करना मतलब खुद से उनको पहुँच सकता था, इसी वजह से वो पहुँच नहीं पाए। तो हमारी अक्सर बात होती है, तो घंटा घंटा बात हुई है, आप सभी लोग दिखा रहे हैं मेरे मोबाइल किधर गए, क्योंकि लोगों को प्रूफ चाहिए ना। मेरा दोस्तों मेरा मोबाइल जिससे मेरी बात होती थी, मतलब बात होती है बाबू। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुष वर्षा ब्लॉग्स में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा और आप सबकी दुआ है। तो दोस्तों हम भी ठीक हैं। और दोस्तों कल मैंने एक ब्लॉग देखा था बिजरिया ब्लॉग्स का, जो कि उसमें लोग बहुत सारे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि आपने बिजरिया ब्लॉग्स में सुनील गुड़िया ब्लॉग्स को नहीं बुलाया, सुनील गुड़िया ब्लॉग्स नहीं बुलाया सुनील गुड़िया को। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, उन्होंने लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं आप सभी को। तो दोस्तों आपने तो देखा ही कि वो किस वजह से नहीं आए, लेकिन आप लोगों को ऐसा एक बार कमेंट करने से पहले एक बार आप लोगों को सोचना चाहिए कि कोई जो इतना दिल के करीब हो सकता है उसको कोई क्यों नहीं बुलाएगा। और इतने सारे बड़े बड़े यूट्यूबर गए और वो उनके इतने खास होते हुए भी वो नहीं जाएंगे, नहीं बुलाएंगे उनको, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। लेकिन आप लोग सोचते समझते नहीं हो, लेकिन सिर्फ उंगली उठाने का काम करते हो किसी पे। एक अकेला इंसान कितना अच्छा, उसने डेकोरेशन वगैरह हर चीज़ कितने अच्छे से मैनेज किया, खाने से लेके हर चीज़, रहने का, हर चीज़ के डेकोरेशन वगैरह इतना अच्छा किया दोस्तों। लेकिन क्या कहते हैं कि किसी किसी की आदत होती है ना कि बस उसको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उसको बस
किसी न किसी तरीके से तोड़ना है। और दोस्तों आप सभी को दिखाते हैं उनकी तबीयत इस टाइम कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप सभी को इस दोस्तों ये देखिए, वो खुद ही दिखा रहे हैं सबूत, आप लोग खुद देख लीजिए। अभी कॉल्ड रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं आप सभी को, लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं आप लोग। एक बार अपने खुद ही देख लीजिए। सभी ने देखा जो कि गुड़िया जी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से वो कहीं चले गए थे, इस वजह से नहीं आ पाए। लेकिन लोग कमेंट करने से पहले एक बार ये नहीं सोचते हैं कि हम किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन बस ये है कि कमेंट कर देते हैं। उनको नहीं बुलाया, उनको नहीं बुलाया। लेकिन जो लोग उनका ब्लॉग देखते होंगे उन लोगों को पता होगा कि क्योंकि गुड़िया जी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। आप सभी ने अगर उनका ब्लॉग नहीं देखा तो जाके आप लोग देख सकते हैं सुनील गुड़िया ब्लॉग्स में, क्योंकि इतना ज़्यादा वो सीरियस थे। उनका रोज़ जो कि इंजेक्शन लग रहा था, कल का भी जो वीडियो आया था उसमें भी दिखाया था उन्होंने, जो कि उनका लास्ट इंजेक्शन था वो कल था। तो दोस्तों आप लोग एक बार सोच के और समझ के कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं विजय जी की जो कि कितनी ज़्यादा हालत ख़राब है उस वजह से दोस्तों ज़्यादा। लेकिन दोस्तों इतना अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट वगैरह जितना भी कुछ किया, देख के काफ़ी अच्छा लगा। और उनकी हालत आप लोग देखिए, प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिए दोस्तों। और दोस्तों एक बार सोच समझ के ही किसी को कमेंट किया कीजिए। लेकिन दोस्तों आप सभी इतना ज़्यादा ऐसा कमेंट मत कर दीजिए कि कोई एकदम से टूट जाए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, आज का हमारा जो छोटा सा ब्लॉग है आप सभी को कैसा लगा कमेंट भी ज़रूर बताइएगा और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय।